फ्रेंड्स, आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल पनीर स्टफ्ड पराठे। और इसके लिए लिया है हमने 4 कप गेहूं का आटा। इसमें थोड़ा स्पेशल कलर और स्वाद आ जाए इसके लिए ले रहे हैं 1/3 कप बेसन और 1/4 कप सूजी। अब इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून अजवाइन। इसको इस तरीके से हाथ में लेके एक बार क्रश कर लेंगे और इसमें मिक्स करेंगे। अब इसमें मिक्स कर देंगे थोड़ा सा कटा हुआ धनिया और 1 टेबलस्पून देसी घी। आप यहाँ पर ऑयल भी यूज कर सकते हैं। इसको पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करके सॉफ्ट डो बनाएंगे। अब बनाएंगे हम पराठों के लिए पनीर की स्टफिंग। उसके लिए हम डाल दे रहे हैं 1 टीस्पून ऑयल और 1 टेबलस्पून बटर। बटर डालते समय हमेशा ही हीट लो ही रखेंगे जिससे बटर जले नहीं, जल के ब्राउन हो जाता है और टेस्ट बहुत खराब हो जाता है। यहाँ पर हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून डाल देंगे अदरक, 1/2 टीस्पून 1/2 टीस्पून कटी हुई हरी मिर्च, 1 छोटा कटा हुआ प्याज, 1/2 टीस्पून का यहाँ पे हल्का सा कलर चेंज हो रहा है, बहुत कलर उसमें नहीं लाना है ब्राउन। बाकी मसाले हम झटपट ऐड कर देंगे। 2 चुटकी हल्दी, 1/2 टीस्पून मिर्च, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 चुटकी हींग, 2 चुटकी पिसा हुआ जीरा पाउडर, 2 चुटकी पिसा हुआ गरम मसाला और ये ग्रेटेड पनीर है लगभग 100 ग्राम। ¼ टीस्पून लगभग डाल देंगे चाट मसाला और हरा धनिया। हमारी स्टफिंग तैयार है, इसको ठंडी कर लेंगे। फिलिंग में नमक डालना भूल गए थे तो यहाँ पर ऐड कर देंगे स्वादानुसार नमक। आटा देखिए अच्छी तरह रेस्ट कर चुका है तो हमने इसके पेड़े काट लिए हैं और अब हम बनाएंगे पनीर के स्टफ्ड पराठे। इसके लिए पहले हम एक बड़ी सी चपाती बना लेंगे। हल्के हाथ से बेलेंगे। अब
पराठा देखिए बिल गया है, यहाँ पर हमने तवा भी चढ़ा दिया है, गर्म हो गया है तवा, यहाँ पर मीडियम हॉट है, डाल देंगे पराठा। देखिए कितने लजीज दिख रहे हैं पराठे, बाकी के भी ऐसे ही सेक लेंगे। देखिए पनीर के सारे पराठे बन गए हैं, अब हम प्लेटिंग करते हैं। गार्लिक रायता बनाने के लिए हमने यहाँ पर 4 टेबलस्पून दही को व्हिप कर लिया है, डाल देंगे 1/2 टीस्पून ग्रेटेड गार्लिक, स्वादानुसार काला नमक लगभग 1/4 टीस्पून और थोड़ा सा हरा धनिया, आपको पसंद हो तो आप हरी मिर्च भी यहाँ पर डाल सकते हैं, और ये मिक्स कर लेंगे। ये रायता बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है पनीर के पराठों के साथ। तो देखिए हमारे पनीर के बहुत ही शानदार पराठे तैयार हो गए हैं, जिनको हमने सर्व किया है गार्लिक रायते के साथ। आप चाहें तो उसके साथ अचार भी खा सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आऊँगी एक नई डिश के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।